आगर मालवा जिले में किसान की परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। आज अलग अलग उपार्जन केंद्र में किसान ने आक्रोशित होकर दो बार चक्का जाम किया। एक बार तो जैसे तैसे किसान मान गए, लेकिन दूसरी बार के चक्का जाम में कांग्रेस भी उनके साथ आगे आई। किसान का आरोप है कि पिछले 5 दिनों से वो उपज तुलाने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनकी उपज नहीं तुलाई जा रही है। केंद्र प्रभारी का कहना है कि बारदाना खत्म हो गए हैं, साथ ही पुराने मैसेज वालों का भी माल नहीं तौला जा रहा है। जाम की सूचना मिलते ही SDM और SDOP छावनी नाका पहुंचे और किसान से चर्चा कर समझाने का प्रयास किया। न्यूज लाइफ MP के लिए आगर मालवा से रहमान कुरैशी की रिपोर्ट। भैया, ये चक्का जाम क्यों किया गया और किस कारण? देखिए, चक्का जाम किसानों के द्वारा किया गया है। किसान पिछले 20-25 दिन से परेशान हो रहे हैं। कोरोना का संक्रमण चरम पे है, साथ में नौतपा चल रही है, 45 डिग्री का तापमान है। ऐसी परिस्थितियों में किसान 8-8, 10-10 दिन से धूप में खड़े हैं, गेहूं की तुलाई कराने के लिए परेशान हो रहे हैं, किंतु प्रशासन रोज नई नई बातें बताता है। कभी बोलता है बारदान नहीं है, कभी बोलता है परिवहन नहीं है, कभी बोलते हैं कि मैसेज की मान्यता खत्म हो गई है। ऐसी तमाम प्रकार की समस्याएं बताकर किसानों को परेशान किया जा रहा है। आज का चक्का जाम किसानों ने किया है, और जैसे ही हमको जानकारी मिली, हम किसानों के साथ आकर खड़े हुए हैं, और जब तक किसानों की मांगे पूरी नहीं होगी, तब तक कांग्रेस परिवार के लोग किसानों के साथ खड़े रहे। SDM साहब ने आपको क्या आश्वासन दिया? खरीदी केंद्र पर जो किसान लोग आए थे, बारदानों की थोड़ी सी शॉर्टेज थी, उसके कारण से लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा अव्यवस्था कर दी थी, लेकिन बारदान की व्यवस्था कर दी गई है और लोगों ने जाम भी खोल दिया और तुलाई का काम भी चालू है। लगभग कितनी देर तक जाम लगा रहा और कितने बारदान की व्यवस्था हुई है? थोड़ी देर तक इन्होंने जाम कर दिया था और बारदान की पर्याप्त व्यवस्था हमने कर दी है। बाकी और बारदान आ रहा है, अब लगातार तुलाई का काम चलता रहेगा।